सबसे पहले आपको दोनों आईब्रो को पाउडर से क्लीन करना है। एंड आफ्टर दैट आपको जिसके भी आप आईब्रो कर रहे हो उसको बोलना है टाइटली स्ट्रेच करे। एंड आफ्टर दैट अगर उसको जैसे भी शेप चाहिए, राउंड चाहिए, आर्क चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आपको हेयर्स को रिमूव करना स्टार्ट करना है। और हेयर्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपको रिमूव करने हैं। और सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि आप ऊपर से ही करना स्टार्ट करें एंड देन ही नीचे से आप आईब्रोज़ को क्लीन करें, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कम पेनफुल होता है। जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, पहले आप ऊपर से क्लीन करें एंड देन आप नीचे से क्लीन करें। और स्ट्रेच का जो तरीका मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ यही होना चाहिए आपका बिल्कुल। और अगर आप लूज़ली करोगे तो आपकी जो स्किन है वो कट हो सकती है, वहाँ पर कट के निशान आ सकते हैं। तो इसको टाइटली, जितना ज़्यादा हो सके टाइटली करना है स्ट्रेच, ताकि आपके स्किन के ऊपर कट के निशान ना आए। और फिर आपको जो जैसे ये स्टेप दिखा रही हैं, इसी स्टेप को आपको फॉलो करते रहना है। और ऐसे करते हुए जैसे शेप में आपको आईब्रो चाहिए वैसी शेप आपको दे देनी है। तो ये आप जो भी प्रोसीजर दिखा रही हूँ डायरेक्ट सैलून मेथड है, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कई हैंड या लेग के हेयर्स को रिमूव करने की कोशिश करें, ताकि डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई ना करें। और ये आपको स्ट्रेचिंग टेक्निक स्ट्रेच करना है, तो एक फ्री फिंगर से ऐसे ऊपर और ऐसे।